नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन नंबर है 22500। ये जो ट्रेन है 15 सितंबर 2024 को स्टार्ट हो गई है, और ये जो ट्रेन है हफ्ते में 6 दिन चलती है, हर मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलती है। और वाराणसी से ये ट्रेन जो है देवघर के लिए तकरीबन 7 घंटे 20 मिनट का समय लगाती है, और टोटल 8 स्टेशन हैं। 456 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 62 किलोमीटर पर आवर है। वंदे भारत टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, और इसका ट्रेन नंबर है 22500। और ये जो ट्रेन है वाराणसी जंक्शन से सुबह 6:20 पर चलती है, और 7 घंटे 20 मिनट बाद दोपहर के 1:40 पर देवघर जंक्शन में पहुँच जाती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस के अगर टिकट किराए के बारे में बात करें, तो इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार के कोच हैं। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो वाराणसी जंक्शन से देवघर तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो किराया है वो है 2415 रुपये, जो कि वाराणसी से देवघर तक का बता रहा हूँ, जिसमें बेस फेयर है 1766 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 60 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 95 रुपये है, 419 रुपये इसमें कैटरिंग चार्ज भी शामिल है। इसके अलावा इस ट्रेन में AC चेयर कार के भी कोच हैं। AC चेयर कार के किराया है 1355 रुपये, 858 रुपये बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 68 रुपये है, 364 रुपये कैटरिंग चार्ज शामिल है। दोस्तों, कैटरिंग चार्ज होता है ऑप्शनल होता है, अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते तो आप बुकिंग के दौरान इसे कैंसिल भी कर सकते हैं कैटरिंग चार्ज को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन से सिर्फ मंगलवार को नहीं चलती, बाकी सभी दिन चलती है। सुबह 6:20 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 7 घंटे 20 मिनट बाद देवघर में दोपहर के 1:40 पर पहुँच जाती है। इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं, 456 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 62 किलोमीटर पर आवर है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 7 बजे पहुँचती है, और 7:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, और यहाँ पर ये 1 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, और 18 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सासाराम जंक्शन बिहार में पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 8:15 पर पहुँचती है, और 8:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 120 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर हावड़ा मुंबई CSMT मेल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है गया जंक्शन बिहार में पहुँचती है सुबह 9:25 पर, 9:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है धनबाद सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है, और 223 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। गया जंक्शन में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। इसके बाद नवाडा जो कि बिहार का स्टेशन है, यहां पर सुबह 10:20 पर पहुंचती है, और 10:22 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, और 282 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है किउल जंक्शन बिहार में पहुंचती है सुबह 11:30 पर, और 11:32 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 352 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। यहां पर यह ट्रेन जो है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, और किउल जंक्शन का स्टेशन कोड है KIUL। इसके बाद यह ट्रेन जो है अपने नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँचती है, जो कि है जासीडी जंक्शन झारखंड। यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 1:15 पर पहुंचती है, और 1:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, यहां पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है, और तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है फाइनली अपने आखिरी स्टेशन देवघर जंक्शन झारखंड में दोपहर के 1:40 पर पहुँचती है, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो दूरी है वाराणसी देवघर तक की, वो 456 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।
इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।